नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियाग्रा फॉल्स के बारे में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स तीन बड़े और छोटे वाटरफॉल्स का संयुक्त रूप है, जिसमें अमेरिकन फॉल्स, हॉर्सशू फॉल्स और ब्राइडल विल फॉल्स शामिल है। यह वाटरफॉल्स नियाग्रा नदी पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यह जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से इसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का घोड़े की नाल झरना यहाँ का सबसे शक्तिशाली झरना है। दरअसल यह झरना घोड़े की नाल की तरह आकृति बनाता है, इसीलिए इसे घोड़े की नाल झरना भी कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात को इसकी पनबिजली शक्ति और सुंदरता के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका नाम नियाग्रा फॉल्स क्यों पड़ा? नियाग्रा शब्द की उत्पत्ति के पीछे का रहस्य क्या है? फ्रांसीसी सैमुअल डी चैंपैन ने अपनी कनाडा की खोज के दौरान सन 1604 के शुरू में ही इस क्षेत्र का दौरा किया था और उनके कुछ साथियों ने उन्हें इस खूबसूरत झरने के बारे में बताया। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मध्य वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। नियाग्रा जलप्रपात द्वारा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा अलग होती है। नियाग्रा जलप्रपात का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। जब 51 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी धुंध बनाता है और पानी का खूबसूरत स्वर झरने से निकलता है, यहाँ उड़ने वाले पानी से बचने के लिए कुछ लोग बरसाती लेकर जाते हैं तो कुछ लोग इसमें भीग कर इसका लुत्फ उठाते हैं। नियाग्रा फॉल्स दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है और इसकी ऊंचाई 167 फिट है। नियाग्रा जलप्रपात तीन अन्य जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा हॉर्सशू फॉल्स लगभग 790 मीटर चौड़ा है, जबकि एक अन्य अमेरिकन फॉल्स 320 मीटर चौड़ा है। नियाग्रा फॉल्स के बीच में अमेरिका और कनाडा की सीमा की दूरी लगभग 1039 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर बना हुआ है। रात के समय में यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षित होता है। विक्टोरिया वाटरफॉल के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात की सबसे खास बात यह है कि जब बहुत अधिक सर्दी का मौसम आता है तो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में शुमार नियाग्रा जलप्रपात बर्फ के रूप में जम जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल के बर्फ में तब्दील हो जाने के बाद भी पर्यटक यहाँ के इस नज़ारे को देखने के लिए लंबी कतार में आते रहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात को बर्फ से जमा हुआ देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। यदि आप नियाग्रा जलप्रपात घूमने जाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप यहाँ पानी में नाव की सवारी कर सकते हैं। यहाँ के रेनबो ब्रिज पर भी आप घूम सकते हैं। आसपास बने हुए फन हाउस में घूमने के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात का नज़ारा देखने लायक होता है, जिसे एक बार देख लेने के बाद व्यक्ति पूरी जिंदगी भूल नहीं पाता। आप नियाग्रा जलप्रपात को कनाडा और उत्तर अमेरिका की सीमा से देख सकते हैं। यदि आप नज़दीक से नियाग्रा जलप्रपात को देखना चाहते हैं तो यहाँ एक दो मंजिला नाव चलती हैं तो आप उसमें नज़दीक से बैठकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात के नज़दीकी होटल से भी आप यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं। कनाडा के क्वीन विक्टोरिया पार्क या संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा आरक्षण पार्क से फॉल्स को देखा जा सकता है। नियाग्रा जलप्रपात पर आप यहाँ उपयोग होने वाले हवाई जहाज से घूम सकते हैं और इसका खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात में जो सबसे अच्छा और खूबसूरत नज़ारा रात के वक्त का होता है, क्योंकि रात के समय यहाँ की सतरंगी लाइट देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के कई आकर्षित दृश्यों को देखने का आप गवाह बन सकते हैं। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय जून से अगस्त तक का होता है, क्योंकि इस समय के दौरान यह अपने सवाब पर होता है और नियाग्रा फॉल्स का यह नज़ारा आप देखते ही रह जाएंगे। जबकि ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी में यदि अत्यधिक सर्दी होने के कारण यह जम जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल जाने के लिए
यदि आप हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें कि बफेलो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यूयॉर्क का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा बफेलो और दक्षिणी ओंटारियो कनाडा के साथ साथ अमेरिका की विभिन्न शहरों जैसे बोस्टन, शिकागो, ऑरलैंडो और डेट्रॉइट से जुड़ा है। बफेलो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी आपके पर्यटक स्थल से लगभग 44 किलोमीटर है। नियाग्रा जलप्रपात के पास बहुत सारे होटल मौजूद हैं और आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इन होटल्स से आपको नियाग्रा वाटरफॉल्स का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।